भारतीय टीम के महान स्पिनरों में से एक बिशन सिंह बेदी का सोमवार को 77 साल की उम्र में निधन हो गया। बाएं हाथ के स्पिनर बिशन सिंह की सांप की तरह बलखाती गेंदें एक समय विपक्षी बल्लेबाजों के लिए काल हुआ करती थीं। ये उस समय की बात है जब बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, ईरापल्ली प्रसन्ना और वेंकट राघवन की स्पिन चौकड़ी का विश्व क्रिकेट में राज हुआ करता था। भारतीय टीम के कप्तान बिशन सिंह बेदी इस चौकड़ी के फ्रंट लाइन स्पिनर थे। 67 टेस्ट में भारत की ओर से 266 विकेट लेने वाले बिशन बाजी कप्तान के तौर पर हमेशा अपने प्लेयर्स के साथ खड़े रहे। प्लेयर्स के हित में जरूरत पड़ने पर वे क्रिकेट प्रशासन के सामने खड़े होने से भी नहीं चूके। शायद यही वजह रही कि अपने दौर के खिलाड़ियों का काफी सम्मान उन्हें हासिल रहा। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने देश में दिग्गज टीमों को तो शिकस्त दी ही, विदेशों में भी टीम के प्रदर्शन में सुधार इसी दौर में आया। बेदी समेत भारत की स्पिन चौकड़ी को अपनी फ्लाइट के जरिए विपक्षी बल्लेबाजों को खूब छलना आता था। विकेट लेने के बाद इन स्पिनरों का जश्न मनाने का अंदाज भी अलग होता था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बिशन सिंह ने स्पिन गेंदबाजों को तैयार करने में भी योगदान दिया। मनिंदर सिंह और मुरली कार्तिक जैसे स्पिनरों ने बेदी के मार्गदर्शन में अपनी खेल प्रतिभा को तराशा। इनके करियर की बात करें तो बिशन सिंह बेदी ने 67 टेस्ट और 10 वनडे मैच भारत के लिए खेले। टेस्ट क्रिकेट में 28.71 के औसत से 266 और वनडे में 48.57 के औसत से 7 विकेट उनके नाम रहे। टेस्ट क्रिकेट में वो 14 बार पारी में 5 या इससे ज्यादा विकेट और एक मैच में 10 या इससे ज्यादा विकेट लेने में वे सफल रहे। बेशक बेदी वनडे क्रिकेट ज्यादा नहीं खेले और इस फॉर्मेट में उनके रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली नहीं हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में सबसे कंजूस गेंदबाजी विश्लेषण में से एक स्पिन के इस सरदार के नाम पर दर्ज है। 1975 के वर्ल्ड कप में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ बेदी ने अपने 10 ओवर में 8 मेडन रखते हुए 6 रन देकर 1 विकेट लिया था। वनडे में 12 ओवर के स्पेल में 8 ओवर मेडन रखना बेदी जैसे करिश्माई स्पिनर के बूते की ही बात थी। वे बाद में टीम इंडिया के कोच भी बने। 1976-77 के बहुचर्चित वेस्लिन कांड में इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज करना बिशन सिंह बेदी जैसे खिलाड़ी के बूते की ही बात थी। भारत के दौरे पर आई उस इंग्लैंड टीम में तेज गेंदबाज जॉन लीवर शामिल थे। इस टेस्ट सीरीज के तहत चेन्नई में लीवर हेडबैंड लगाकर मैदान में उतरे थे। मैच में अपनी स्विंग से लीवर ने भारतीय बैटरों को खासा परेशान किया था। लीवर की इस कामयाबी के बीच बेदी ने सनसनीखेज आरोप लगाया था कि लीवर ने अपने हेडबैंड में वैसलीन लगाया था। इससे उन्हें गेंद को ज्यादा स्विंग कराने और विकेट लेने में मदद मिली। इंग्लैंड उस समय विश्व क्रिकेट की बड़ी ताकत हुआ करता था। ऐसे में बेदी के आरोपों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि बाद में विश्व क्रिकेट में आई बॉल टेम्परिंग की घटनाओं ने इस बात की पुष्टि की कि कृत्रिम कारणों से गेंद को अधिक स्विंग कराया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट में बाद में बेदी के स्तर और उसके ऊपर कई खिलाड़ी हुए, लेकिन अपने प्लेयर्स के हित में बहादुरी से खड़े होने और उनके जैसे टीम मैन बिरले ही होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।